दुश्मनों के नरगे में गिरे हुए एक नौजवान की दास्तान शुजात, जिसके लिए नामूस वतन की हिफाजत नकदे जान से बढ़कर अजीज थी। ये एक ऐसे नौजवान की हंगामा खेज जिंदगी की सरगुजिश्त है, जो अपने मुल्क की सरहदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए दुश्मन मुल्क के शातिर हिंदुओं की साजिशों को नाकाम बनाता रहा, दुश्मनों को नाकू चने चबवाता रहा। साजिशी जहन रखने वाले हिंदुओं को उनकी गासिबाना फितरत की फसल काटनी पड़ी। आग जलती रही, खून उबलता रहा और वो अपनी मुजाहिदाना शान से आगे बढ़ता रहा। जो हाथ उसकी जानिब बढ़ा कट के रहा, दुश्मनों की हर चाल खुद उन्हीं के लिए शहमात बनी। मोहतरम जनाब इकबाल काजमी साहिब के कलम से निकला एक शाहकार नावल, सरफरोश मुजाहिद अंगारे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही नई किस्त अपलोड की जाए फौरन आप तक पहुंच जाया करे। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने एक जोरदार झटका देकर अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और सीना सहलाते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगा। गंगो भी दोहरा हो गया था, उसकी नाक से खून की धार बह निकली थी। अपनी कैफियत पर काबू पाते ही मैंने गंगो पर हमला कर दिया। मेरी ठोकर उसके पेट पर लगी, वो बुलबुलाता हुआ मुंह के बल जमीन पर गिरा और फिर दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में चाकू था। वो जमीन पर गिरा था तो इत्तफाक से चाकू उसके हाथ में आ गया था। गंगो अरना भैंसे की तरह डकराता हुआ मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने बचने की कोशिश की तो मेरा पैर रिपट गया और मैं संभलने की कोशिश में लड़खड़ा कर रह गया और चाकू की नोक मेरी बाईं आस्तीन को छूकर बाजू की खाल पर चिरका लगाते हुए गुजर गई। मैं लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिर गया। गंगो ने दाड़ते हुए छलांग लगा दी, फुर्ती से एक तरफ हट गया। एक लम्हा की भी ताखीर हो जाती तो चाकू मेरे सीने में पेवस्त हो जाता। गंगो पे दर पे हमले करता रहा और मैं बचता रहा और बिल आखिर मैंने उसके थोबड़े पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया, लेकिन दूसरे लम्हे संभल कर फिर हमलावर हुआ, मगर इस मर्तबा उसे मेरे करीब पहुंचने का मौका नहीं मिल सका। सीता ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसकी टांग में टांग फंसा दी और कल्पना भी हरकत में आ गई थी। उसने एक बड़ा सा पत्थर दोनों हाथों में उठाकर दे मारा। गंगो लूट लगाकर एक तरफ हट गया था, अगर ये पत्थर उसके सर पर लग जाता तो भेजा बाहर निकल आता। मैंने भी उठकर गंगो को ठोकरों पर रख लिया। एक मर्तबा गंगो को उठने का मौका मिल गया। मेरा ख्याल था कि वो मुझ पर या कल्पना और सीता में से किसी पर हमला करेगा, लेकिन दूसरे लम्हा उसने एक तरफ दौड़ लगा दी तो मैं चौंक गया। गंगो का जिंदा बच निकलना हमारे लिए मौत का संदेशा बन सकता था। मैंने अपने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया और गंगो के पीछे दौड़ लगा दी। अब पिस्तौल का इस्तेमाल नागुजीर हो गया था। गंगो मुझसे तकरीबन 20 कदम आगे था। मैंने फायर कर दिया, गोली गंगो की पुश्त पर लगी। वो चीखता हुआ लड़खड़ा कर गिरा। मैं दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसकी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर जमा दी। वो फिर पुश्त के बल गिर गया। मैंने उसके सीने पर पैर रख दिया। तुम स्वयंवर की बाजी हार गए गंगो, मैंने कहा। तुमने कहा था कि जो जीत जाएगा वो लोंडिया को ले जाएगा और जो हार जाएगा वो खाको खून में लूट जाएगा, और अब तुम खाको खून में लूटने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे माफ कर दो। गंगो गिड़गिड़ाया, मैं बहादुरों की कदर करता हूँ, तुम वाकई बड़े सूरमा हो, मुझे क्षमा कर दो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने आप को मौत के हवाले नहीं करना चाहते, मैंने कहते हुए पिस्तौल को दोनों हाथों में पकड़कर उसके चेहरे की तरफ तान लिया। गंगो कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी पेशानी पर लगी और खून का फवारा छूट पड़ा। मैं उछलकर दूर हट गया। गंगो जमीन पर इस तरह लूट रहा था जैसे बकरे को गले पर छुरी चलाकर छोड़ दिया गया हो। मैं गंगो को तड़पते हुए देख रहा था और फिर अचानक ही वो आवाज सुनकर चौंक गया। वो किसी गाड़ी के इंजन की आवाज थी। मैं दौड़कर सीता और कल्पना के करीब पहुंच गया। जमीन पर पड़े हुए शॉपिंग बैग्स उठाए और उन दोनों के साथ एक तरफ दौड़ने लगा। गाड़ी की आवाज करीब आती जा रही थी। एक मौका पर मकानों की तरफ से उसके हेडलैम्प्स की रोशनी भी चमकती हुई नजर आ रही थी। मैंने कल्पना का हाथ पकड़ लिया और ताड़ के दरख्तों में दौड़ता चला गया। सीता भी हमारे पीछे दौड़ी आ रही थी। मैंने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा, अब उस गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां नजर आ रही थी। वो गाड़ी उस तरफ आ रही थी जहां गंगू की लाश पड़ी थी, और फिर वो गाड़ी रुक गई। हम तीनों ताड़ के गुंजान दरख्तों में घुसते चले गए। दरख्तों और कच्चे मकानों में होते हुए हम वहां से बहुत दूर निकल आए। मुसलसल दौड़ते रहने से कल्पना हांफने लगी थी। सीता की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, उनकी वजह से मुझे रुक जाना पड़ा। मैं जानता था हम खतरे से बाहर नहीं हुए थे। मुझे ये भी मालूम था कि उस गाड़ी में कौन लोग थे। पुलिस की गाड़ी वो बहरहाल नहीं थी, लेकिन वो जो कोई भी थे अगर उन्होंने लाश देखने के बाद गाड़ी से उतरकर हमारा पीछा शुरू कर दिया
तो वो हमारे घर तक भी पहुंच सकते थे। दो मिनट बाद मैं फिर उन्हें साथ लेकर तेज तेज चलने लगा। कल्पना का हाथ मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। हम उस कच्चे मकान की पिछली तरफ से गुजरे जहां पहले रोज दो औरतों ने हमें देखकर प्रणाम किया था। उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। यहां बिजली भी नहीं थी और इस वक्त किसी के मकान के बाहर मौजूद होने का इम्कान भी नहीं था जो हमें देख लेता, लेकिन मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। दरख्तों के झुंड से निकलने के तकरीबन 5 मिनट बाद हम अपने मकान पर पहुंच गए। दरवाजे पर बाहर की तरफ बोरी का पर्दा पड़ा हुआ था और अंदर टीन की चादर का दरवाजा था जो दिन में आमतौर पर खुला रहता था मगर रात को बंद कर दिया जाता था। उस वक्त वो दरवाजा खुला हुआ था। सीता और कल्पना के अंदर दाखिल होने के बाद मैंने वो दरवाजा भी बंद कर दिया और उसमें लोहे का कुंडा फंसा दिया। राजीव और शोभा आंगन में ही थे। शोभा चूल्हे के पास बैठी हुई थी। पतीली में शायद चावल चढ़े हुए थे। चावलों की खुशबू फजा में फैली हुई थी। राजीव चारपाई पर बैठा बीड़ी के कश लगा रहा था। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, हम तो परेशान हो रहे थे, राजीव ने हमें देखते हुए कहा। बाजार में देर हो गई और फिर रास्ते में एक समस्या में उलझ गए थे, मैंने उसके करीब खाट पर बैठते हुए कहा और दोनों शॉपिंग बैग सीता के हवाले कर दिए जिन्हें लेकर सीता अंदर चली गई। शोभा चूल्हे के सामने से उठकर जल्दी से दूसरी चारपाई उठा लाई और पहली चारपाई के करीब बिछा दी। कल्पना के हाथ में अब भी अमरूदों वाला थैला था। उसने वो थैला शोभा के हवाले कर दिया और खाट पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। एक केरोसिन लैंप चूल्हे वाले शेड के करीब रखा हुआ था और दूसरा कमरे में था। बाहर वाले लैंप की रोशनी कल्पना के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर खौफ के तासरात भी नजर आ रहे थे। कैसी समस्या पड़ गई थी महावीर जी, राजीव ने पूछा। एक पुराने पापी से आमना सामना हो गया था, मैंने जवाब दिया और फिर मैं उसे उस वाक्य के बारे में बताने लगा। ये तो बहुत बुरा हुआ महावीर जी, राजीव के लहजे में तशवीश थी। हमें बहरहाल मोहतात रहना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। सीता कमरे से निकलकर शोभा के पास बैठ गई और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो और शोभा हमें प्लेटों में चावल निकाल कर देने लगी। हिंदुस्तान के आम बाशिंदों की खुराक दाल चावल ही थी। गरीब तबके में तो ज्यादातर दाल चावल ही खाए जाते थे कि पेट भरने के लिए सबसे सस्ती खुराक यही थी। हम अभी खाना खा रहे थे कि बाहर का दरवाजा दड़दड़ाया जाने लगा। सीता, शोभा और कल्पना एक चारपाई पर बैठी हुई थी। मैं, राजीव दूसरी खाट पर थे। राजीव ने सिर्फ धोती बांध रखी थी। उसने करीब पड़ी हुई मैली चादर उठाकर कंधे पर डाल ली और उठकर दरवाजे की तरफ चल दिया और इस दौरान दरवाजा दूसरी मर्तबा खटखटाया गया था। कौन है भाया? आ रहा हूँ। हरी राम हरी ओम। मैं मोहतात होकर बैठ गया, पिस्तौल निकालकर चावलों की प्लेट के साथ रख लिया और मैंने ये तय कर लिया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो पिस्तौल इस्तेमाल करने में देर नहीं करूंगा। नमस्कार थानेदार जी, खैरियत? कोई चोर भाग गया क्या? राजीव की आवाज सुनाई दी। चोर नहीं पंडित जी, हमें एक हत्यारे की तलाश है, दूसरी आवाज सुनाई दी। वो गालबन कोई पुलिस वाला था जिसे राजीव ने थानेदार कहा था। एक घंटा पहले यहाँ से आगे एक आदमी को कत्ल कर दिया गया है। कातिल शायद अब भी इसी इलाके में है, हमें उसकी तलाश है। आपने कोई मुश्तबा आदमी नहीं देखा इस तरफ? नहीं महाराज, राजीव ने जवाब दिया। मेरे तो मेहमान आए हुए हैं, भोजन कर रहे हैं इस वक्त, आप भी पधारिए, कोई जलपान। शुक्रिया पंडित जी, पर आपके ये मेहमान कौन है? वही आवाज सुनाई दी। वो देखिए, वो बैठे भोजन कर रहे हैं। राजीव ने दरवाजे का बोरी का पर्दा पूरी तरह हटा दिया। वो मेरी दीदी है और वो मेरे जीजा जी और वो मेरी दूसरी बहन है, उसके साथ मेरी पत्नी बैठी हुई है, शोभा नाम है उसका, दाल बात बहुत अच्छी बनाती है। आप भी? धन्यवाद पंडित जी, पुलिस वाले ने फिर उसकी बात काट दी। वैसे आप लोग मोहतात रहिए, वो हत्यारा अभी इसी इलाके में मौजूद है। आप फिक्र न करो महाराज, राजीव ने जवाब दिया। हमें मिल गया तो उसे रस्सियों से बांध कर आपको इत्तला दे देंगे। जी अच्छा, जय राम जी। राजीव दरवाजा बंद करके अंदर आ गया और मेरे सामने बैठ कर दोबारा प्लेट में हाथ डाल दिया। पुलिस को उस कत्ल की इत्तला मिल चुकी है और उनका ख्याल है कि कातिल अभी तक इसी इलाके में मौजूद है। वो नवाला मुंह में डालने से पहले मेरी तरफ देखते हुए बोला, वो गलत नहीं कहता, मैंने मस्का कर जवाब दिया। हम तो अभी तक वाकई यही मौजूद हैं। अहमक कहीं के, सीता हमारी तरफ देखते हुए बोली, ये तो कातिल को इस तरह तलाश कर रहे हैं जैसे वो उनके इंतजार में बैठा हो। खाने के बाद भी हम आंगन में बैठे रहे। यहाँ मच्छर बड़े जालिम किस्म के थे, बड़ी बेरहमी से हमारा खून चूस रहे थे और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कल्पना की तरफ से अब मेरी परेशानी कुछ कम हो गई थी। उसे पहचाने वालों में एक के सिवा सब मारे जा चुके थे, रामचंद धोबी और उसका एक साथी कई रोज पहले ही मेरे और कल्पना के हाथों मारे गए थे। गंगो आज अपने अंजाम को पहुंच गया था। अब सिर्फ वो बूढ़ा ठाकर रह गया था जो इस सारे फसाद की असल जड़ था और मेरा ख्याल है कि जब वो गंगो के बारे में सुनेगा तो सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा।
इसका मतलब यह भी था कि कल्पना को अब मुंह छुपाने की जरूरत नहीं रही थी। हमारा इस मकान में रहना मुश्किल हो रहा था। ये अलग बात थी कि अभी तक किसी को शुबा नहीं हुआ था, लेकिन शुबा हो जाने की सूरत में ये मकान महफूज ना था। उसे चार आदमी भी अगर चारों तरफ से घेर लेते तो हमारे फरार का कोई रास्ता ना रहता। हम आसानी से मारे जा सकते थे। हमारे पास इतनी रकम आ चुकी थी कि हम कुछ अरसा के लिए किराए का कोई मकान ले सकते थे। सुबह राजीव और शोभा मकान की तलाश में निकल खड़े हुए। कल्पना भी उनके साथ चली गई। मैं और सीता उस मकान में अकेले रह गए। मैं आंगन में दरख्तों के नीचे खाट पर लेटा सूरते हाल पर गौर करता रहा। लोदरवा वाले कैंप को हम तबाह कर चुके थे। इसराइली एजेंट वापस जा चुके थे। कैंप इस तरह तबाह हुआ था कि उसे दोबारा काबिल अमल बनाने के लिए कई महीने दरकार थे। इस तरह वक्ती तौर पर भारतीय हुक्मरानों का ये मंसूबा अलतवा में पड़ गया था। दहशत गर्दों को तरबियत देने का एक कैंप जैसलमीर छावनी में भी था, लेकिन वहाँ हमारा दाखिला मुमकिन नहीं था। सीता फौरन ही पहचान ली जाती, और वैसे हमारा ये ख्याल भी गलत था कि हमारी तलाश की सरगर्मियाँ मांद पड़ गई थी। लोदरवा कैंप की तबाही के बाद हम पहली मर्तबा गुज़श्ता रात बाहर निकले थे, और मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि शहर की तमाम अहम सड़कों पर चेकिंग हो रही थी। गाड़ियों को रोक कर पूछगुछ की जा रही थी। बस गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही थी। पुलिस को एक मर्द और एक औरत की तलाश थी। ऐसे जोड़ों को रोक कर उनसे पूछगुछ की जा रही थी। मैं और सीता या मैं और कल्पना अकेले होते तो यकीनन हमें भी कहीं ना कहीं रोका जाता, लेकिन वो चूंकि तीन थे, एक मर्द और दो औरतें, इसलिए हम बचे रहे। लेकिन जिस तरह चेकिंग हो रही थी उसके पेशे नजर मैं जानता था कि हम ज्यादा अरसा तक छुपे नहीं रह सकेंगे, और जाहिर है हम घर में भी बंद होकर नहीं रह सकते थे। सीता के पास भी करने को कोई काम नहीं था। बातों ही बातों में दुर्गा का जिक्र भी आ गया। दुर्गा के नाम पर सीता के चेहरे पर उदासी छा गई। मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने दुर्गा पर तशद्दुद किया था, सीता ने दांत कचकिचाते हुए कहा। वो तो पुलिस की तहवील में थी, मैंने कहा, और जब कोई मुलजिम पुलिस की तहवील में होता है तो आने जाने वाला हर पुलिस एहलकार हस्बे तौफीक मुलजिम को एक दो हाथ जरूर लगा देता है। हमें कैसे पता चलेगा कि दुर्गा पर तशद्दुद किसने किया था? मैं उन पुलिस एहलकारों की बात नहीं कर रही, सीता बोली। ये कोई मामूली चोरी या धोखादेही का केस नहीं था कि दुर्गा को थाने में इस तरह रखा गया होगा कि हर आने जाने वाला एक आध हाथ लगा देता। ये बहुत हसास और अहम मामला था। दुर्गा को तो किसी ऐसे जल्लाद किस्म के पुलिस ऑफिसर के हवाले किया गया होगा जिसको अपने आप पर बहुत घमंड हो, और मैं उसका पता चला लूंगी। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं दुर्गा के कातिल का गला घूंट दूं, लेकिन ये नया पंगा लेकर क्या हम अपने लिए नई मुश्किलात पैदा नहीं कर लेंगे? मैंने कहा, क्या दुर्गा की हत्या ऐसी बात है कि उसे फरामोश कर दिया जाए? सीता ने चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर तुम्हें कातिल को अंजाम तक पहुँचाने में मेरा साथ देना होगा, सीता ने कहा। वो कौन और कहाँ है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे तलाश कर लूंगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैंने जवाब दिया। दुर्गा ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। वो चाहती तो पुलिस को बता देती कि हम कहाँ हैं, लेकिन उसने अपना जीवन तो दान कर दिया पर हम पर आंच नहीं आने दी। मैं इतना एहसान फरामोश भी नहीं हूँ कि इस तरफ से आंखें बंद कर लूं। ठीक है, सीता ने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। तो ये वादा रहा कि हम दुर्गा के कत्ल का इंतकाम लिए बगैर इस शहर से नहीं जाएंगे? वादा रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। दोपहर हो गई थी। राजीव वगैरह अभी तक वापस नहीं आए थे। सीता उठकर चाय बना लाई। इतनी गर्मी में चाय, लेकिन चाय तो बहरहाल ऐसी चीज थी जिसे इनकार नहीं किया जा सकता था। राजीव वगैरह की वापसी 4 बजे के करीब हुई थी। मकान मिल जाने की नवीद के अलावा वो हमारे लिए खाने पीने की कुछ चीजें भी लेकर आए थे। मैं और सीता सुबह से भूखे बैठे हुए थे। हमने फौरन ही उन चीजों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। राजीव ने धोबी पाड़े में एक मकान किराए पर हासिल कर लिया था, और अगले रोज हम उस मकान में मुंतकिल हो गए। धोबी पाड़ा अगरचे गुंजान आबादी का इलाका था, लेकिन वो मकान मेरी मंशा के ऐन मुताबिक था। पुरानी तर्ज का ये मकान 4 कमरों पर मुश्तमिल था और वसी पुख्ता सहन था जिसमें मुख्तलिफ फासलों पर 4 दरख्त लगे हुए थे। 3 दरख्त नारियल के थे और एक नीम का कदावर और सायादार दरख्त। उन दरख्तों के इर्द गिर्द कच्ची जमीन थी और ईंटों की मुंडीर से दायरे बने हुए थे। बरामदे के सामने इसी तरह तुलसी का एक पौधा भी लगा हुआ था। हिंदुओं में तुलसी के पौधे को बहुत मुकद्दस समझा जाता है और बाज तबके तो इसकी पुरस्तश भी करते हैं। ये मकान मेरी मंशा के मुताबिक था। उसके दोनों तरफ गलियां थीं और दोनों तरफ दरवाजे थे। एक तरफ का दरवाजा तो बहुत ही तंग सी गली में खुलता था, अलबत्ता दूसरी तरफ कुशादा गली थी। ये मकान एक दौलतमंद हिंदू बेवा का था। चंद रोज पहले तक वो खुद यहाँ रहती थी। उसका एक बंगला भी था जो उसने किराए पर दे रखा था। वो बंगला खाली हुआ तो खुद वहाँ मुंतकिल हो गई। यहाँ फर्नीचर वगैरह मौजूद था, अलबत्ता हमें कुछ बर्तन और जरूरत की चीजें लानी पड़ी थी।
तीन चार दिन हम उस मकान से बाहर नहीं निकले। राजीव ही सारे काम कर रहा था, कभी कल्पना भी उसके साथ चली जाती। डंगो की मौत के बाद कल्पना का खौफ अब दूर हो चुका था। ठाकुर के सिवा अब कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उसे शिनाख्त कर सकता, और ठाकुर से कहीं आमना सामना होने की तवक्को नहीं थी। और फिर सीता ने भी मकान से बाहर आमदोरफ्त शुरू कर दी। पहले तो उसने मलबूसात के अलावा जरूरत की चंद ऐसी चीजें खरीदी जिनसे वो अपना होलिया बदल सकती थी। उसकी आंखें हिरनी की तरह मोटी और स्याह थी। उसने हल्के नीले रंग के कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लिए। इन कॉन्टेक्ट लेंस से उसकी आंखों की खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली जरूर आ गई थी। उसने बालों का स्टाइल भी बदल लिया और मेकअप से उसके चेहरे में भी बड़ी तब्दीली आ गई। उसे गहरी नजरों से देखे बगैर सीता की हैसियत से शिनाख्त कर लेना आसान नहीं था। मैंने भी दाढ़ी मूंछों को मखसूस अंदाज में तराश कर चेहरे में बड़ी तब्दीली पैदा कर ली थी। आंखों की रंगत तब्दील करने के लिए मुझे भी कॉन्टेक्ट लेंस का सहारा लेना पड़ा था। मेरी आंखें भी अगरचे स्याह थीं, लेकिन मैंने अपने लिए ब्राउन रंगत के लेंस पसंद किए थे। धोती, मखसूस तराश का कुर्ता और सर पर बलदार पगड़ी, इस हुलिये में मैं कोई ठाकर ही लगता था। उस रोज मैं और सीता कई रोज बाद इकट्ठे बाहर निकले थे। सीता ने गोल्डन बॉर्डर वाली सुरमई रंग की साड़ी पहन रखी थी, इस लिबास में वो कयामत ही लग रही थी। मैं मखसूस राजस्थानी लिबास में था। हम कुशादा गली की तरफ मकान से निकले थे। चंद गज दाएं तरफ जाकर ये गली बाजार से जा मिलती थी। हम उस बाजार में कुछ दूर तक पैदल चलते रहे, फिर सीता ने रिक्शा रुकवा लिया। जब हम घर से निकले तो 8:30 बज रहे थे। रिक्शे ने 20 मिनट में हमें महाराजा होटल पहुंचा दिया। उस होटल का क्लब सरकारी ऑफिसर्स के लिए अपने अंदर बड़ी कशिश रखता था। यहाँ फौजी ऑफिसर्स भी आते थे, सरकारी महकमों के कलीदी ओहदों पर फाइज ऑफिसर्स भी और पुलिस के ऑफिसर्स भी। इसे तुम घूसखोरों का अड्डा भी कह सकते हो। सीता ने रिक्शे से उतरकर होटल के मरकजी गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा, यहाँ सरकारी ऑफिसर्स भी आते हैं और ठेकेदार और कारोबारी किस्म के लोग भी। ये लोग दफ्तरों में जो बात नहीं कर सकते, यहाँ किसी खौफ के बगैर इस पर तबादला ख्याल होता है। ब्रीफ केस भी हाथ बदलते हैं, और जो काम दफ्तरों में अफसरों की मिन्नत समाजत से नहीं हो पाता, यहाँ चुटकी बजाने में हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ नोटों की गड्डियाँ एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में मुंतकिल हो जाती हैं। तुम यहाँ किस लिए आई हो, मैंने पूछा। इस होटल के क्लब को तुम इतलात का मरकज भी कह सकते हो, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक घंटा यहाँ बैठोगे तो शहर की बहुत ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम हो जाएगी। हम बरामदे में पहुंचे तो दरबान ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वसी और इस लॉबी में भी खासी रौनक थी। हम ड्राइंग हॉल में आ गए। एक वेटर ने बड़े एहतराम से हमें एक खाली मेज पर पहुंचा दिया। उस हाल में दाखिल होते ही मैंने महसूस किया था कि बहुत सी नजरें सीता की तरफ उठ गई थी। हम भोजन करेंगे, सीता ने वेटर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। वेटर ने फौरन ही दो खूबसूरत मेन्यू कार्ड पेश कर दिए। मैंने अपने लिए पनीर और पालक के कोफ्ते पसंद किए, और सीता ने फ्राई फिश का ऑर्डर नोट करवा दिया। 20 मिनट में हमारे सामने खाना सर्व कर दिया गया। मैंने कई रोज बार डंग का खाना खाया था। पनीर और पालक के कोफ्ते मेरी पसंदीदा डिश थी। खाना खाने का लुत्फ आ गया था। खाने के बाद हम क्लब हॉल में आ गए। बहुत वसी और अरीज हॉल था। एक तरफ दीवार के साथ बहुत लंबा चौड़ा बार काउंटर बना हुआ था, जिसके सामने गोल रिवॉल्विंग स्टूल्स पर बैठे हुए गाहक मैं नोशी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। काउंटर के पीछे दीवार के साथ शीशे की शेल्फों पर रंग बिरंगी शराब की लातादाद बोतलें सजी हुई थी। हॉल में थोड़े थोड़े फासले पर दर्जनों मेजें अभी खाली थी। गाहकों में मर्द भी थे और औरतें भी। ऐसी जगह जाहिर है हसीन औरतों ही के दम से आबाद होती हैं। सामने एक वसी खूबसूरत स्टेज था, जिसके सामने जिलमिलाता हुआ रंग बिरंगा पर्दा खींचा हुआ था। मौसीकी की हल्की आवाज गोया दीवारों से फूटकर हॉल की फजा में बिखर रही थी। हम स्टेज से जरा हटकर एक मेज पर बैठ गए। ठीक 10 बजे स्टेज का पर्दा हट गया और एक रकासा के दर्शन हुए। स्टेज के एक तरफ पीछे ऑर्केस्ट्रा भी मौजूद था। ऑर्केस्ट्रा की दोनों पर रकासा थरकने लगी। रकासा का रक्स शुरू हुआ तो उसके जिस्म पर शरीफाना लिबास था, लेकिन हिजान खेज मौसीकी की लहरों पर थरकते हुए वो एक एक करके अपने लिबास से भी निजात हासिल करती जा रही थी, और आखिरकार उसके बदन पर 2 चीथड़े रह गए और वो स्टेज से उतरकर मेजों के दरमियान थरकने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हाल की रौनक बढ़ती जा रही थी। 2 आदमी हमारी मेज पर भी आकर बैठ गए। उन्होंने हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी थी, और हमने भी कोई एतराज नहीं किया था। हमें एतराज का कोई हक भी नहीं था, क्योंकि हमने ये मेज रिजर्व नहीं कराई थी। कुछ ही देर बाद एक वेटर ने उन दोनों के लिए शराब से लबरेज ग्लास सर्व कर दिए। सीता ने भी सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा लिए। वो दोनों आदमी शराब की चुस्कियां लेते हुए बातें भी करते रहे और बार बार कनखियों से सीता की तरफ भी देखते रहे। पहले तो मैंने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन फिर एक जुमला सुनते ही चौंक गया। एक आदमी क्या रहा था, हैरत है, उन्हें इतने रोज बाद मंदिर में किसी तहखाने का ख्याल आया, हालांकि सबसे पहले उन्हें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें।
वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।